Hello everyone, in this video we will be describing about the blood group, Rh factor and blood type. इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर और ब्लड टाइप के बारे में. ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा इस वीडियो को. आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान पाएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे पता किया जाता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, आर एच फैक्टर क्या होता है और कितने टाइप के ब्लड हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप. सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड और इट्स कंपोनेंट्स. तो जैसे कि आपने जाना देखा होगा खून, ब्लड हिंदी में क्या कहते हैं, खून यानी कि ब्लड. तो ब्लड क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है और इस लिक्विड के अंदर दो चीजें होती हैं, सेल एंड प्लाज्मा. सेल होती है और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है. अगर इस लिक्विड में से जो आप अगर कट लग जाता है आपके, तो उसमें से ब्लड जो निकलता है उस ब्लड के अंदर दो चीजें देखने को मिलती हैं, 45% सेल्स होती हैं और प्लाज्मा 55% होता है. एक टर्म आता है सीरम. तो सीरम आपने बहुत सुना होगा कि जैसे कोरोना में मरीजों को क्या दिया गया था, सीरम दिया गया था, सीरम थेरेपी अपनाई गई थी. तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दीजिए. फाइब्रिनोजन क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे कि एक जाल होता है, थ्रेड्स का जाल. जैसे अगर हमने किसी में जाल लगा दिया, जैसे मछली मारने के लिए अगर जाते हो तो वो जाल जो मछली मारने का होता है वो एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में मछलियां फंस जाती हैं, है ना. उसी तरीके से ब्लड के अंदर भी एक नेटवर्क होता है. वो नेटवर्क बहुत काम का होता है, जब भी चोट लगती है तो उस चोट वाली जगह पर वो नेटवर्क पहुंच जाता है और उस चोट को बंद कर देता है, ठीक है. उसी तरीके से इसका काम होता है. तो फाइब्रिनोजन ये एक ऐसी क्या होती है, प्रोटीन. ये एक प्रोटीन होती है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है. अब ब्लड के अंदर ये जो प्रोटीन होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में होती है, यानी कि जब ये ब्लड में प्रेजेंट होती है तो सॉल्युबल फॉर्म में होती है, लेकिन जब कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो ये चोट वाली जगह पर पहुंच जाता है सॉल्युबल प्रोटीन, और उस समय ये क्या हो जाता है, नॉन सॉल्युबल हो जाती है. कैसी हो जाती है, नॉन सॉल्युबल. एक नेटवर्क बना लेती है फिर ये, और उस नेटवर्क में बहुत सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाती हैं और वो कट जो होता है वो बंद हो जाता है. तो दैट इज द रोल ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन. तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो नॉन सोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और तब इसका नाम होता है फाइब्रिन. क्लियर. तो सीरम कैसे बनाएंगे आप, प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर 55%, उसमें से आप फाइब्रिनोजन को निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो सीरम होता है. ओके, नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी. तो अभी तो हम डेफिनेशन आपको बताते हैं कि एंटीजन क्या होती है. सिंपली फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. अभी आप इतना समझिए कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर चला जाए, तो वो बाहर का सब्सटेंस हमारी जो ब्लड के अंदर गया है तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है. और जब वो ये टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाएगा तो उसको क्या हम करेंगे, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उसको किल करेगा, तो बनाएगा उसके अगेंस्ट कुछ सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज एक तरीके से सोल्जर की तरह काम करते हैं और ये सोल्जर जाके उस एंटीजन को खत्म कर देते हैं, तो दैट इज एंटीजन. तो एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं, ट्रिगर. जैसे कि ना कि बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, तो दबाया कब जाता है, जब कोई दुश्मन दिखाई देता है तभी ऑटोमेटिक वो ट्रिगर दब जाता है, ठीक है. तो दैट इज अ एंटीजन. तो एंटीजन वो ट्रिगर की तरह काम करता है, दुश्मन की तरह काम करता है जो प्रोडक्शन कर देता है एंटीबॉडीज का. क्लियर. तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ. अब एंटीबॉडीज क्या होती है, सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन. उल्टा कर दीजिए, एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में वो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है. अभी हम इनके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे. तो एक्चुअल में जो हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर ब्लड है
ब्लड में आपने क्या पढ़ा कि सेल्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, प्लाज्मा होता है। सेल जो होती है मेनली, अगर हम ब्लड टाइप की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं आरबीसी को। आरबीसी क्या होता है, जो लाल रंग की सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको कहा जाता है रेड ब्लड कार्पल्स। वर्ड वी कैन से रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो इसी तरीके की एक स्पेशल टाइप की यहां पर प्रोटीन बनती हैं। दीज प्रोटीन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अभी कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं अभी हम जानेंगे इसके बारे में। तो मेन हम फोकस किस पे कर रहे हैं, आरबीसी पे। आरबीसी जो होती है यही हमारे ब्लड को डिसाइड करती है। हम आरबीसी देखते हैं तो इस तरीके की आरबीसी दिखाई देती है। आरबीसी जो होती है वो बाई कॉनकेव शेप की होती है। कैसी होती है, कॉनकेव शेप की होती है। आपने जैसे कि एल्पेनलीबे की टॉफी खाई होगी, टॉफी कैसी होती है, राउंडेड होती है लेकिन बीच में गड्ढा होता है, साइड से मोटी होती है, किनारे इसके थिक्स होते हैं लेकिन जो सेंटर पोजीशन होती है वो थोड़ा सा थिन रहता है, गड्ढा होता है। तो ऐसी तरीके से ये आरबीसी होती है। 6.5 माइक्रोन साइज की होती है आरबीसी, और छोटी आरबीसी है। तो इसकी आरबीसी पर क्या होता है, एंटीजन होती है। इसकी आरबीसी पे कुछ एंटीजन होती है। तो सपोज मान लीजिए मेरे पास आरबीसी है, मतलब एक ह्यूमन, जैसे मान लिया एक ए आदमी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। एक दूसरा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। और एक तीसरा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। और एक थर्ड पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ओ है। तो ए ब्लड ग्रुप किसका होगा, जिसकी आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ है, ए एंटीजन, ठीक है। कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पर एक तरीके का क्या है, ए एंटीजन है, तब उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप, क्लियर। और ऐसे ही अगर दूसरा पर्सन है और दूसरे पर्सन की आरबीसी के ऊपर इस तरीके से एक स्पेशल टाइप की बी एंटीजन है, कौन सी एंटीजन है, बी एंटीजन, तो वो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। थर्ड पर्सन में अगर यहां पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों हैं, तो वो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। अगर यहां पर पर्सन की आरबीसी पर किसी तरीके की कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सन का ब्लड जो होगा वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस तरीके से हम ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं। अब एक्चुअल में ये एंटीजन होता क्या है, तो सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी में ये ए एंटीजन है, क्या है, एंटीजन है। अब ये एंटीजन होता कहाँ है और कैसे कर बनता है, तो आरबीसी की जो सरफेस होती है, आरबीसी की ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स सिंपल सभी आरबीसी है, कितने भी टाइप के पर्सन्स हो, ठीक है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, उन सब की आरबीसी के ऊपर ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअल में जो आरबीसी बनती है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी कौन सी होती है, इरिथ्रोब्लास्ट, क्लियर। इरिथ्रोब्लास्ट जो है
ये आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स को बनाता है। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। तो ये इरिथ्रोसाइट जो है वो इरिथ्रोब्लास्ट से बनता है। इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है इसकी सेल्स में, यानी कि इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनमें क्रोमोसोम 46 टोटल होता है, 23 पेयर्स, तो इसमें से जो 19 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है जो फादर से आता है पैटर्नल क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम जो होता है वो मदर से आता है उससे कहते हैं मैटर्नल क्रोमोसोम। तो वन पेयर ये 19 नंबर का होगा, टोटल कितना पेयर होता है, 23 पेयर होता है। तो उसमें से हम बात करते हैं 19 नंबर के पेयर की, क्रोमोसोम की। तो 19 नंबर के क्रोमोसोम पर कुछ स्पेशल जगह होती है, इनको कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं, लोकस। इन लोकस के ऊपर क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो 19 नंबर के क्रोमोसोम का जो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम होता है उस पर जो जीन्स होते हैं वो जीन एक स्पेशल टाइप का एंजाइम फॉर्म करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला एंजाइम बनता है उसको कहते हैं फ्यूकोज ट्रांसफीरेज। क्या नाम है इसका, फ्यूकोज ट्रांसफीरेज। ये फ्यूकोज ट्रांसफीरेज एंजाइम जो होता है इसका काम होता है कि ये फ्यूकोज जो सैक्राइड प्रेजेंट है, फ्यूकोज क्या है, एक तरीके का मोनोसैक्राइड होता है, ये मोनोसैक्राइड जो है इसकी आरबीसी की सरफेस पर अटैच करवा देता है। सपोज यहाँ पर कुछ और भी ओलिगोसैक्राइड लगा हुई हैं और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एक फ्यूकोज ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, फ्यूकोज ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए मैं दूसरा और बनाता हूँ एक। तो हमारे पास क्या है, ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी का क्रोमोसोम नंबर 19 ले लें। तो 19 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है पैटर्नल और साथ में मैटर्नल, इसका जो जीन है ये जीन क्या कर रहा है, फ्यूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये जो फ्यूकोज का फॉर्मेशन होता है ये जीन जो है वो एंजाइम पहले बनाएगा, एंजाइम का नाम फ्यूकोज ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, फ्यूकोज ट्रांसफरेज फ्यूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फ्यूकोज का फॉर्मेशन नहीं करता, एक तरीके से फ्यूकोज को यहां पर सरफेस पे लाके अटैच कर देता है, आरबीसी की सरफेस पर फ्यूकोज को अटैच कर दिया। इस तरीके से सभी आरबीसी के ऊपर कुछ ना कुछ ओलिगोसैक्राइड्स की ये चेन लगी होती है, उसके ऊपर ये फ्यूकोज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तब हम इसका नाम रखते हैं एच एंटीजन। एंड दिस ग्रुप ऑफ ओलिगोसैक्राइड इज कॉल्ड एच एंटीजन। तो जितने कितने भी टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, हर पर्सन की आरबीसी में एच एंटीजन मिलता है, ये बेसिक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जब होती है ब्लड ग्रुप बनाने की तो उसमें एच एंटीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद इसी इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर दूसरा क्रोमोसोम है 9 नंबर का। तो 9 नंबर के क्रोमोसोम का जो लोकस है उसका जो जीन है वो जीन, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास, ये तैयार हो गया एक ओलिगोसैक्राइड जिसमें फ्यूकोज अटैच है एक्स्ट्रा, ये भी एक ओलिगोसैक्राइड है और ये एक मोनोसैक्राइड इसके ऊपर अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया, एच एंटीजन। तो यहाँ से हमारा ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो जीन है 9th नंबर के क्रोमोसोम पर, ये क्या करता है, ये एक स्पेशल टाइप का मोनोसैक्राइड का डेरिवेटिव बनाता है, ठीक है। कौन सा है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमीन। ट्रांसफीरेज ये एक एंजाइम लगाता है। तो ये जीन जो है एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन ट्रांसफीरेज एंजाइम बनाता है, और ये एंजाइम का फंक्शन होता है कि एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन NAGA इसको साइटोप्लाज्म में से लेकर आकर इसको यहाँ पर अटैच करा दे। सपोज इसको इसने क्या करा, यहाँ पर अटैच करा दिया, तो ये है एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस तरीके का इरिथ्रोब्लास्ट आ जाएगा।
ये ऑलिगोसैकेराइड लगा, फ्यूकोज लगा और साथ में ये यहाँ पर डेरिवेटिव लग गया, कौन सा? नागा। देन अब ये जो रिथ्रोब्लास्ट है, अब ये जो डेवलप होगा आरबीसी में, रिथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगा? आरबीसी बनेगी। रिथ्रोब्लास्ट और आरबीसी में क्या डिफरेंस होता है? एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है। तब अब इस सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? एनएसिटाइल गैलेक्टोजामीन। जब ये प्रेजेंट होता है तब ये पूरा एंटीजन कहलाता है ए एंटीजन, व्हाट इज बी कॉल ए एंटीजन। तो इस तरीके का अब ये जो ब्लड, जो पर्सन का ब्लड होगा वो कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए। कौन सा पर्सन हो गया? ब्लड ग्रुप ए। इसी तरीके से दूसरे में बात करते हैं, अगर एरिथ्रोब्लास्ट है तो एरिथ्रोब्लास्ट में सबसे पहले क्या हो गया? ये एच एंटीजन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, 19 नंबर के क्रोमोसोम से। उसके बाद इसमें आगे जो है 9th नंबर का जो क्रोमोसोम है, इससे अब इसी लोकस पर दूसरा जीन होगा प्रेजेंट, यानी कि उसका वेरिएंट होगा। ये जो वेरिएंट जीन है अब ये इस एंजाइम का फॉर्मेशन ना करके दूसरे एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम होगा गैलेक्टोज एमीन ट्रांसफरेज। क्या नाम है इसका? गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज। तो ये जो गैलेक्टोज एमीन ट्रांसफरेज है, ये साइटोप्लाज्म में से, ये हमारे पास क्या है पहले से ओलिगोसैकेराइड, ये साइटोप्लाज्म में से हमारा ले क्या लेकर आएगा? गैलेक्टोज लेकर आएगा। तो ये गैलेक्टोज को यहां पर एच एंटीजन पर अटैच करा देगा। देन अब ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा, यानी कि अब यहां पर जो एंटीजन बनेगा उस एंटीजन को कहेंगे बी एंटीजन, और जो ब्लड ग्रुप बना वो बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी चीजें प्रेजेंट हो गई, देख लिए। दो हो गए हमारे पास, ब्लड ग्रुप ए और बी, दो टाइप के बन गए। अब अगर मान लीजिए थर्ड टाइप का पर्सन होगा, जिसमें क्या होगा, ये हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट है, तो इसमें एक एच एंटीजन है और इसके ऊपर हमारे लिए क्या बन गया, ये ए एंटीजन भी है। दूसरा इसी सरफेस के ऊपर, यानी कि 9th नंबर का जो क्रोमोसोम था, इसका जो वेरिएंट होगा, उसने क्या करा, उसने गैलेक्टोज भी चिपका दिया एच एंटीजन पर। तो ये नागा है, एनएसिटाइल गैलेक्टोज एमीन भी है सीआरबीसी के सरफेस पर और गैलेक्टोज भी है सीआरबीसी के सरफेस पर, यानी कि ए एंटीजन भी है और साथ में क्या है, बी एंटीजन भी है। ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, तो इसी आरबीसी के ऊपर दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है, तब ये ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप। अब चौथा बचा जो पर्सन होता है, अगर इस पर्सन पर ये जो ऑलिगोसैकेराइड लगा हुआ है फ्यूकोज, बस इतना है, यानी कि एच एंटीजन है, यानी कि जो 9 नंबर का क्रोमोसोम है वो डीएक्टिवेट हो चुका था रिथ्रोब्लास्ट में, यानी कि उसमें म्यूटेशन हो गया है, साइलेंट हो गया, तो वो किसी तरीके का अब ऑलिगोसैकेराइड, यानी कि जो मोनोसैकेराइड है, ना तो गैलेक्टोज और ना एनएसिटाइल गैलेक्टोजामीन यहां पर अटैच हो पाएगा, तो इस वजह से ये एच एंटीजन रह जाएगा, जिस पर दूसरा और कोई सैकेराइड नहीं होगा लगा हुआ। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड से एच एंटीजन वाला, ये कहलाएगा ओ एंटीजन, यानी कि एच एंटीजन ओ एंटीजन, यानी कि जीरो एंटीजन, तो इस ब्लड ग्रुप को कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। तो जिसकी आरबीसी के सरफेस पर जिस तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होगा वो वही ब्लड ग्रुप ले लेगा, सिंपली है।
ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सैकेराइड है। तो एंटीजन मेनली ये सब एंटीजन है, तो एंटीजन होता क्या है, एंटीजन ओलिगोसैकेराइड होता है। एंटीजन क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक के ऊपर, इसी में एग्लूटिनेशन। एंटीजन और एंटीबॉडी की जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो आरबीसी जो होती है वो आपस में चिपकने लगती है, क्लंपिंग होने लगती है उसमें, तो उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमें पता है कि मोर देन 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम क्या होता है अभी हम बताएंगे। एबीओ आप ब्लड ग्रुप सिस्टम समझिए क्या है। एक होता है एमएन सिस्टम, इसकी लिटिल बहुत कम इंपॉर्टेंस है तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस बेस पर होता है, एंटीजेनिक होता है, मतलब एंटीजन जो सब्सटेंस है ओलिगोसैकेराइड उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंटीजन ओलिगोसैकेराइड भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो हम एबीओ अगर ब्लड ग्रुप देख रहे हैं तो एंटीजन कैसा होगा, ओलिगोसैकेराइड होगा। नेक्स्ट, अब जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था इनकी खोज किसने की, कार्ल एंड स्टीनर एक साइंटिस्ट थे, एक लेविन है, इन्होंने तो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। तो एमएन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे अपने कौन सा ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो यहां पर एमएन ब्लड ग्रुप के ये टाइप ऐसे ही बनेंगे जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 to 1901 में डिस्कवर किया था। और एबीओ ब्लड ग्रुप तीन चार तरीके के हैं, ये कौन कौन से हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी, और ए बी दोनों एंटीजन है तो ए बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब एबीओ का भी हमने बताया था कि जो एंटीजन बनता है वो किस जीन पर है, 9 नंबर के क्रोमोसोम पर है। अब ये जो जीन है इसके तीन फॉर्म होती हैं, इस जीन की तीन फॉर्म होती हैं, उन तीनों फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं। और किसी एक पर्सन में इन तीन एलील में से सिर्फ दो ही एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इनसे क्या बनता है, चार तरीके ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। क्लियर। अब चार तरीके ब्लड ग्रुप बना लिए हमने, इसमें देखो इफ ए एंटीजन इज प्रेजेंट ब्लड ग्रुप विल बी ए, वही कहानी है। ठीक है, आप नोट्स इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, और ये ए बी है, और ये ओ है। तो एंटीबॉडीज, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, तो एंटीबॉडीज को समझने के लिए हमें एक नई स्लाइड लेनी होगी। तो एंटीबॉडीज, जैसे कि हमें पता है कि आरबीसी में क्या होती हैं, आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीजन है। मान लीजिए आरबीसी सरफेस पर ए एंटीजन है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है, ओ है, कोई कैसा भी हो। तो एक जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उस ब्लड ग्रुप ए वाले बच्चे के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में किसी तरीके का कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, इस ए एंटीजन के ब्लड ग्रुप के अंदर यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी बनने लगती है। अगर उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड में बी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। अब ये कैसे हो गया, बी एंटीबॉडीज कैसे बनना शुरू हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें कि कोई दूसरा पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप बी है यानी कि एंटीजन बी होगा, जब एंटीजन बी है, बी एंटीजन है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो ए एंटीबॉडी होगी।
कैसी होगी? ए एंटीबॉडी होगी। अगर कोई पर्सन है ए बी, ए बी यानी कि ए बी एंटीजन है दोनों उसके अंदर, तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप वाला यानी कि ओ एंटीजन वाला, ओ ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें एच एंटीजन होता है, ओ ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन होता है, तो इसकी प्लाज्मा के अंदर ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, उल्टा कैसा हो गया, बी एंटीजन के अंदर ए एंटीबॉडी है, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए के अंदर बी एंटीबॉडी है, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसा हुआ कि अब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर तो एंटीबॉडीज होती नहीं है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम बच्चा जब बड़ा होता है तो वो फूड लेता है, फूड लेता है साथ में बैक्टीरिया भी उसकी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं, तो इन फूड के अंदर एंटीजन होते हैं, बहुत सारे एंटीजन होते हैं फूड में, बैक्टीरिया पर बहुत सारे एंटीजन लगे होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जाते हैं, इनमें ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है, ठीक है, और बहुत टाइप के एंटीजन होते हैं। तो बॉडी में जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में अगर ये एंटीजन पहुंचते हैं तो बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम इनको पहचानेगा। जब बॉडी देखती है कि अरे ये ए एंटीजन, ये तो मेरी बॉडी का ही है, ठीक है, तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जब देखते हैं बी एंटीजन, अरे ये तो बाहर का आया हुआ है, ये बाहर का आया हुआ है तो इसके अगेंस्ट में क्या है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी, तो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी उसका नाम होता है बी एंटीबॉडी। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के पर्सन में अगर उसने फीडिंग की, न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही बड़ा होता है वो खाना शुरू करता है तो उसके साथ खाने के साथ बैक्टीरिया भी जाते हैं, बैक्टीरिया में फूड में बहुत सारे एंटीजन होते हैं, तो उसमें एंटीजन में ए भी होता है, बी भी होता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसमें जो ये बाहर का एंटीजन जाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहचानेगा, तो ये कहेगा अरे ये ए है, ए वाला तो मेरा ही है, तो उस पर कुछ नहीं अटैक करेगा, बी वाला कहेगा ये तो फॉरेन एंटीजन है, इसके लिए एंटीबॉडी बना देगा, तो बी एंटीबॉडी इसके लिए बन जाएगी। ऐसे ही जस्ट उल्टा बी है, बी वाले के लिए क्या होता है कि बी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है तो उसके पर्सन में भी सारी एंटीजन जाती हैं, तो बी वाला पहचानता है तो ये तो मेरी है, और ए वाला कहता है ये तो फॉरेन है, तो इसके अगेंस्ट में क्या बनता है, ए एंटीबॉडी बन जाता है। जब ए बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है तो वो जब एंटीजन ए और बी दोनों जाती हैं तो वो इम्यूनिटी सिस्टम पहचानता है कि अरे ये तो हमारी ही दोनों एंटीजन है, तो कोई अटैक नहीं होता है, तो इस तरीके से उसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप का होता है जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसके ब्लड में अगर ये जाता है एंटीजन ए और बी, तो वो कहेगा अरे ये तो दोनों फॉरेन है, दोनों बाहर के हैं, इनको जल्दी से मारो, तो उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज ए और बी दोनों बन जाते हैं। तो ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनकी बॉडी के अंदर ए और बी एंटीबॉडी दोनों ही मिलती हैं। शुरुआती स्टेट में एंटीबॉडीज का नंबर कम होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी एक खास बात, ये जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं ये कौन से टाइप की होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, कौन कौन से, IgG, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो IgG वाला जो है ये एंटीबॉडी है, ठीक है, IgG में एंटीबॉडी जो है ए ए बी, ये IgG टाइप का होता है, और ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी जो है ये IgM होता है। क्या आपको ध्यान में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस हम आगे आपको बताएंगे क्या है। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो इनमें एंटीबॉडी क्या मिलेगी, बी, एंटी बी, प्लाज्मा के अंदर एंटी बी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो प्लाज्मा के अंदर एंटी ए होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटी ए एंटी बी दोनों ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, इसमें ए बी एंटीजन है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एक स्पेशल एंटीजन हम इसका नाम देते हैं एच एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एक्चुअल में होता क्या है,
एच एंटीजन होता है। क्लियर। आगे देखिए, अब हम ब्लड ग्रुप के जीन के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड ग्रुप में यहां पर जब ब्लड एंटीजन बनता है तो एंटीजन क्रोमोसोम नंबर 9 से बनता है। तो जो 9 नंबर का क्रोमोसोम होता है उस पर जो जीन होता है वो उस जीन को हम कहते हैं IA। ठीक है, यानी कि अगर वो ब्लड ग्रुप ए बना रहा है तो उस पर जो जीन होगा वो IA होगा या फिर IO होगा जीन। या क्योंकि 9 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो पेयर में है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक मैटर्नल क्रोमोसोम होता है। तो अगर मैटर्नल क्रोमोसोम का जीन है, 9 नंबर का क्रोमोसोम पे जो जीन है ये IA है, और जो पैटर्नल है, मान लीजिए 9 नंबर का पैटर्नल, इस पर क्या है IA भी हो सकता है, IO भी हो सकता है, ऐसा ही इसमें है, IO भी हो सकता है, IA भी। तो एक बार में एक ही होगा। ये जीन है, यानी कि एक मान लो आपके पास स्विच है, स्विच क्या, जो लाइट का स्विच होता है, बटन है, तो आप उसको ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा, ऑफ करेंगे बंद हो जाएगा। तो ये एक ऑन ऑफ बटन है, समझ लीजिए जीन जो है वो ऑन ऑफ बटन है। तो इसमें एक जीन में दो अल्टरनेट होते हैं, ऑन करो ऑफ करो। तो ऑन कर दिया तो ए हो गया, ये जो जीन होगा ऑन है तो ए है, ऑफ है तो ओ है, ऑफ है तो बंद है यानी कि जीन। तो ये जो जीन की जो दो फॉर्म बन गई इनको कहते हैं एलील। ऑल दिस इनको क्या बोलेंगे, एलील। तो एलील क्या होता है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ये अल्टरनेट फॉर्म है, एक बार में एक ही फॉर्म एक्टिवेट होती है। तो एक क्रोमोसोम पे जो जीन होता है वो जीन या तो IA की फॉर्म में होगा या IO की फॉर्म में होगा, ऐसे ही पैटर्नल होगा तो उसमें भी एक IA IO दोनों टाइप। तो एक जीन पेरेंट से जाता है चाइल्ड के अंदर, ठीक है, तो ये पेरेंट नंबर 1 है, ये पेरेंट नंबर 2 है। अगर इस पेरेंट में जो जीन है उसका IA एलील एक्टिवेट है और इसका IA एलील एक्टिवेट है, तो इनके बच्चों में जीन कौन सा जाएगा, दोनों चले जाएंगे IA और IA। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर इसका जीन जो है वो IA एक्टिवेट है और इसका IB एक्टिवेट है तो दोनों जीन चले जाएंगे पेरेंट बच्चों के अंदर, तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा AB। और अगर एक पेरेंट्स के अंदर IA जीन एक्टिवेट है और दूसरे में IO एक्टिवेट है, ठीक है, कौन सा, IO एक्टिवेट है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, OE बनेगा। IO का मतलब क्या है कि बल्ब बंद है, स्विच ऑफ है, यानी कि स्विच ऑफ है तो कोई जीन जो है वो कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब। लेकिन ये वाला खुला हुआ है, दूसरे पेरेंट्स का क्या है, ए जीन एक्टिवेट है, तो ये जीन ए है ना, तो ए एंटीजन बना देगा, तो ए एंटीजन बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। ऐसे ही बी एंटीजन यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि जीन जो है बी एक्टिवेट है और यहाँ पर ए एक्टिवेट है, तो दोनों जीन जाएंगे बच्चे के अंदर तो ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ भी बन जाएगा। इसी तरीके से बी जीन है, इसका भी बी है, तो दोनों का बी है तो बच्चों में बी ही बनेगा, बी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर बी है और यहाँ आई हो, ओ वाला जीन एक्टिवेट है, ओ वाला यानी कि कुछ नहीं है, तो बी बना देगा एंटीजन, तो ये बी एंटीजन बनाएगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब जीन दोनों ही स्विच ऑफ, IO IO दोनों पेरेंट्स में बल्ब बंद है यानी कि स्विच ऑफ है, तो दोनों के जीन क्या है IO IO, तो IO IO में क्या बनेगा, कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, जब कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। क्लियर। इस तरीके से ये पेरेंट्स से बच्चों में जो ब्लड जाता है वो कैसे जाएगा। नेक्स्ट, तो अभी हमने बताया ए ओ बी एंटीजन आर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। अब ये जो एंटीजन होता है वो किस वजह से डिटरमाइन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो टर्मिनल शुगर होता है उससे पता चलता है कौन सा एंटीजन है। तो अभी हमने टर्मिनल लगाया था, अगर हम एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन लगाते हैं तो ए ब्लड ग्रुप बन जाता है, गैलेक्टोज लगाते हैं तो वो बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, दोनों लगाते हैं तो ए बी। तो क्या 1 and 2 टर्मिनल शुगर एडेड टू एच सब्सटेंसेस डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। तो एच सब्सटेंस के ऊपर अगर उन दोनों टर्मिनल में से कोई भी लग जाए या दोनों लग जाए तो ए और ए भी उनमें से कोई भी ये बन जाता है। तो ये एंटीजन के केमिकल स्ट्रक्चर बना हुई है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन लगा हुआ है, एच सब्सटेंस, ये पूरा एच सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो इस एच सब्सटेंस के ऊपर अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए बन गया, और इस सब्सटेंस पे गैलेक्टोज लगा हुआ है तो ये ब्लड ग्रुप बी बन गया। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, यहाँ पर कोई भी ब्लड ग्रुप ये नहीं लगा हुआ है, शुगर का मोनोसैकेराइड नहीं लगा हुआ है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया। और ये जो एंटीजन है एच एंटीजन कहलाएगा या एच ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। आपको करेक्ट अगर ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ब्लड ट्रांसफर होता है उससे पहले आप जानिए, एक टाइप होता है ब्लड ग्रुप का बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे फिनोटाइप क्या होता है, यानी कि जब ओ एच एंटीजन होता है, ठीक है, ओ एंटीजन की तरह जैसे एच एंटीजन होगा तो उस ब्लड ग्रुप में को कहेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप या बॉम्बे फिनोटाइप, सिंपली कह लो। उसके बाद बायोकेमिकल बेसिस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप, ये आपको ज्यादा याद नहीं करनी, वही चीज है, यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल रिसिपियंट है। तो कैसे, अब देखिए हम वो चार्ट देखते हैं जिसमें हम ब्लड को ट्रांसफर करेंगे। तो ब्लड को ट्रांसफर, ट्रांसफ्यूजन जो होगा वो किस तरीके से होगा, भैया ये जो है ब्लड, अगर मान लीजिए पर्सन ए है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसको हम ब्लड ग्रुप बी वाला अगर दे दें, एक पर्सन है जिसमें क्या है ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, इस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में अगर हमने ए ब्लड ग्रुप दे दिया तो जाहिर सी बात है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में ए एंटीजन है, एंटीबॉडी कौन सी है बी, बी एंटीबॉडी है, सेम पड़ गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा, पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बी वाले ब्लड ग्रुप को ए वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, ठीक है, बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हमने क्या कर दिया ए ब्लड ग्रुप दे दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, यहां पर आरबीसी क्लंप कर जाएगा। क्यों क्लंप कर जाएगा, क्योंकि इसके आरबीसी में एंटीजन ए है, बी एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप क्या है वो एंटीबॉडी कौन सी है ए एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी ए है, एंटीजन यानी कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, एंटीजन है ये कौन सी है बी एंटीजन है, और ए दे दिया हमने तो ए दे देंगे तो इसके अंदर ए एंटीजन भी आ जाएगा, और ए एंटीजन ए एंटीबॉडी की प्रेजेंस में क्लंप कर जाएगा, ठीक है, आपस में लड़ाई लड़ जाएंगे, ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से लड़ाई लड़ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। फिर अगर ए बी को दे दिया, ए बी को देने पे क्या है ए बी वाले के अंदर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों है, तो अगर हम बाहर से ए ब्लड ग्रुप दे रहे हैं तो बाहर से ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर क्या होगा आरबीसी में ए एंटीजन होगा और हमारे अंदर भी ए एंटीजन पहले से मौजूद है, तो ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को ए बी वाले को दे दिया जाएगा, यानी कि ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये ले लेगा, ठीक है। अब ओ वाले को दे देंगे तो ओ वाले में क्या है कोई भी एंटीजन नहीं होती है, उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, और हमने दे दिया ए एंटीजन, ए एंटीजन दे देंगे तो हर सी बात है इसमें क्लंपिंग हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये नहीं लेगा। तो कौन कौन लेगा, ब्लड ग्रुप ए वाला ले सकता है और ए बी वाला ले सकता है, ठीक है। बी वाले में बात करें तो ए बी वाला नहीं ले सकता है, क्यों, क्योंकि ए वाले के अंदर एंटीजन ए है और बी वाली एंटीजन हम इसमें चढ़ा देंगे तो क्लंपिंग हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। बी वाले के अंदर हम बी वाला ही दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ब्लड चढ़ जाएगा। अब ए बी वाले के अंदर, तो ए बी वाले के अंदर जाहिर सी बात है ए और बी दोनों एंटीजन है और बी एंटीजन हम दे रहे हैं तो बी एंटीजन दे रहे हैं और ऑलरेडी इसके अंदर बी एंटीजन है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ब्लड आराम से उसको दे दिया जाएगा। ओ वाले के अंदर देंगे तो ओ वाले में क्या होगा, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, हम बाहर से बी एंटीजन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्लंपिंग हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें नहीं चढ़ा जाएगा, इसमें आ जाएगा। ए बी वाला आप देखो,
इसके अंदर कोई भी ए एंटीजन है, ठीक है, और हम दे रहे हैं ए बी, यानी कि बी और एक एक्स्ट्रा एंटीजन दे रहे हैं, तो इसमें डेथ हो जाएगी। बी वाले के अंदर सिर्फ बी एंटीजन है, हम ए एंटीजन और चढ़ा दे रहे हैं, ए बी वाला चढ़ा रहे हैं ना, तो बी एंटीजन भी आएगी और ए भी आएगी, तो ए की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, क्लंपिंग हो जाएगी, इसकी भी डेथ हो जाएगी। अब ए बी वाले को ए बी चढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, आराम से चढ़ जाएगा। ओ वाले को चढ़ा रहे हैं, तो ओ वाला क्या कर रहा है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है और हम दोनों एंटीजन दे रहे हैं, तो तुरंत डेथ हो जाएगी इसकी भी, ठीक है। ओ वाला आप देखो, इसके अंदर ए एंटीजन है, हम ओ वाला दे रहे हैं, ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है ये एक्सेप्ट कर लेगा। बी वाले को दे रहे हैं, बी वाले में बी एंटीजन है, ओ वाला जब दे रहे हैं तो ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। ए बी वाले को दे रहे हैं, तो ए बी वाले के अंदर दोनों एंटीजन है, और ओ जब बाहर से आ रहा है तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ओ वाला तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ओ वाले ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, तो ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है ये क्या हो जाता है, यूनिवर्सल, और ये दिया जा सकता है किसी को भी, तो हो गया डोनर, तो ये है यूनिवर्सल डोनर। और ए बी वाला ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं, ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ ए बी वाले को ही दिया जा सकता है, क्लियर। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये एक्सेप्ट कर रहा है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर ले रहा है, देखो ए वाला भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी वाला भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, ए बी वाला भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, और ओ वाला भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दो, यानी कि ये ले लेगा कोई सा भी ब्लड ग्रुप, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो दो तरीके के ये ब्लड ग्रुप होते हैं, इसमें हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये क्या कर सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, और इसका ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ये अभी हम बताएंगे। आप मान लीजिए कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट यानी कि वो कौन सा, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव वाला जो है किसी का भी ब्लड ले सकता है। अब कैसे ले सकता है, उसके लिए हम ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम देखते हैं। आरएच में भी क्या है, एक तरीके की एंटीजन होती है आरबीसी के अंदर। कैसी एंटीजन होती है, जैसे आरबीसी पर ओलिगोसैकेराइड वाली एंटीजन थी ए एंटीजन, इसमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है, और इसी की सरफेस पर और बहुत सारे एंटीजन होते हैं, तो उनमें से ये एंटीजन है आरएच एंटीजन। ये जो आरएच एंटीजन है, जिस भी पर्सन की आरबीसी पर प्रेजेंट होता है उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिस पर्सन की आरबीसी के सरफेस पर ये आरएच नहीं होता है वो आरएच नेगेटिव पर्सन कहलाता है। सिंपल है, जिसमें होगा वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं वो आरएच नेगेटिव। आरएच होता क्या है, अब ये आरएच जो होता है वो एक तरीके की प्रोटीन होती है जो आरबीसी की सरफेस पर होती है, आरएच एक तरीके की प्रोटीन होती है। तो ऐसा समझ लो कि ए जो एंटीजन होता है, एंटीजन बी हो या ए हो या ए बी हो, कोई भी एंटीजन हो, एंटीजन जो होती है वो ओलिगोसैकेराइड होती है, आरएच जो होता है वो प्रोटीन होती है। सिंपली एंटीजन जो होती है वो आप समझ लो कि ये आलू है, या आप कह लो कैंडी है, सिंपल कैंडी शुगर होती है, तो ये सिंपल शुगर होती है एंटीजन। और आरएच जो होती है चिकन पीस होते हैं, आप चिकन खाते हैं तो चिकन क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो वो चिकन पीस है ये जो प्रोटीन है, तो आरएच एंटीजन प्रोटीन होती है, और एंटीजन जो होती है ए एंटीजन या बी एंटीजन वो शुगर होती है। इनमें से ये जो आरएच है ये चार तरीके के आरएच फैक्टर्स होते हैं, जो डी सी ई ई और सी, कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल डी, और स्मॉल डी नहीं होता है, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक होता है डी वाला, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर एच डी पॉजिटिव, जिसमें होगा, और जिसमें नहीं होगा वो आर एच डी नेगेटिव होगा, बस इतनी सी बात याद करनी है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है और उस पर आर एच पॉजिटिव भी है तो वो ए पॉजिटिव हो जाता है,
बी वाला क्वेश्चन है, बी के ऊपर आर एच पॉजिटिव है तो भी बी पॉजिटिव, ए बी के ऊपर यानी कि ए बी की आरबीसी पर आर एच फैक्टर है तो वो ए बी पॉजिटिव हो गया, जिस पर नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये जो है आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस तरीके से सरफेस पर प्रेजेंट होगा, नहीं होगा तो आर एच नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक डिसीज बनती है जिसको कहते हैं रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये एक हिमोलिटिक डिसीज है बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न बच्चों में होती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। अगर मदर जो है आर एच नेगेटिव है, ठीक है, मदर कैसी है, आर एच नेगेटिव। अब मदर आर एच नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, तुरंत आप समझ जाइए कि इसके ब्लड के अंदर आर एच फैक्टर नहीं है। मदर जो है वो अगर आर एच नेगेटिव है तो इस पर आर एच फैक्टर नहीं है, सिर्फ ए एंटीजन या बी एंटीजन होगा। तो अगर यहां पर मान लो ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप वाला होगा और बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ तो ओ ब्लड ग्रुप। अब इन तीन में तो आपको याद रखना है कि जो एंटीबॉडी होती है वो आईजीएम टाइप की होती है और इसके अंदर आईजीजी टाइप की होती है। तो जो मदर होती है, मदर से जब बच्चा बनता है तो उस बच्चे का एम्ब्रियो का जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। कनेक्शन कहाँ होता है, प्लेसेंटा का, मदर का बच्चे के साथ जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा से होता है, उसी में ब्लड वेसल्स या ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर मदर आर एच नेगेटिव वाली है तो उसका जो ब्लड होगा वो चाइल्ड में जाएगा और चाइल्ड का ब्लड जो है वो मदर में जाएगा। अब अगर मदर जो है प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा जो है वो आर एच पॉजिटिव वाला है, यानी कि उसकी सरफेस पर आर एच पॉजिटिव एंटीजन होगा। अब जब ये आर एच एंटीजन मदर के ब्लड में पहुंचेगा तो एंटीजन जो होता है जैसे ही ब्लड में पहुंचता है, अगर एंटीजन वो नहीं है उसके ब्लड में तो वो एंटीबॉडी बनाने शुरू कर देती है, तो इसमें आर एच एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी मदर के ब्लड में। अब मदर के ब्लड में जो आर एच एंटीबॉडी बनेगी वो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनेगी, ठीक है, इसके एंटीजन को, जो मदर के ब्लड में एंटीजन पहुंची है आर एच पॉजिटिव वाली एंटीजन। तो अब अगर मदर का ब्लड ए बी और ए बी है तो इसके ब्लड में जो एंटीबॉडी होगी वो आईजीएम होगी, और आईजीएम जो है वो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर नहीं हो पाती है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बिग मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये एंटीबॉडी मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर नहीं होती है। मदर मान लीजिए और ये चाइल्ड, तो मदर से चाइल्ड में ये वाली एंटीबॉडी ट्रांसफर नहीं होगी तो चाइल्ड को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मदर ओ ब्लड ग्रुप की है, ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले में क्या एंटीबॉडी है, आईजीजी, आईजीजी स्मॉल प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। और ये जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी तो आर एच पॉजिटिव वाली जो एंटीजन बच्चे के अंदर है उसके अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडी काम कर जाएगी और फिर उसको आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, ठीक है। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, ब्लड डिसीज कॉज करेगा, इसको कहते हैं हीमोलिटिक डिसीज, ठीक है, ब्लड वेसल्स फट जाएंगे उसके तो वो लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, तो इस तरीके से चाइल्ड की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप में हमें ये चेक कर लेना था कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है। ए बी, ए बी के होने पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, चाहे वो आर एच नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ओ ब्लड ग्रुप है तब दिक्कत होती है, तो उसके लिए सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स करके बताइए। आगे हम जानेंगे ब्लड टेस्टिंग के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम ब्लड की टेस्टिंग कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।